क्या मूर्ति लगवाना बहन कुमारी मायावती का सही था या गलत था, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, इस देश में जो राजा होता है वो इतिहास बदलता है जी। जो इस देश में राजा होता है इतिहास बदलता है। हाल ही में नरेंद्र मोदी दामोदर दास से, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात में अभी इतना बड़ा भव्य सरदार पटेल साहब का स्टैचू लगवाया जी। अच्छी बात है, हम लोग बहुत समर्थन करते हैं सरदार पटेल साहब ने, इस देश को अखंड बनाने के लिए उन्होंने वास्तव में काम किया है, इसे हमने यूपीएससी में भी पढ़ा। तो साथियों जो हमारा इतिहास है वो बता दें, लेकिन ये बताइए जब नरेंद्र मोदी जो इतना भव्य और इतना महंगा स्टैचू लगाते हैं जिससे कि बाद में जाँच होती है तो पता चलता है कि जो पैसा लगाया था मूर्ति में वो निकलने लगा है, जो मूर्ति बनाई थी वो ऐसी बनाई है कि उसमें से वो सब निकलने लगा है और वो मूर्ति धीरे धीरे जो है जिस क्वालिटी की बनाना चाहिए तो उस क्वालिटी की नहीं बनाई, जबकि जनता को जो बताया इतने करोड़ की ये स्टैचू लगाई, वहाँ कोई सवाल नहीं होता। ठीक है, कांग्रेस ने इस देश में दिल्ली के राजघाट पे करोड़ों करोड़ों की अपने कांग्रेस के नेताओं की समाधि है, उस पर कोई सवाल नहीं होता। इस देश में कांग्रेस की सरकार बनी, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हजारों कॉलेजों के नाम उनके महापुरुषों के नाम पर रखे हैं और हजारों स्टैचू लगाए हैं, नेहरू जी का लगाया है, गांधी जी का लगाया है, राजीव जी का लगाया है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं उनको जवाब देने का मतलब प्रयास करता हूँ कि कोई भी उनका कोई सवाल का कोई जवाब नहीं देता। और एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब सिंधु घाटी की सभ्यता को पुनर्जागृत करती है, जिसने भारत को संविधान दिया, ऐसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी जब लखनऊ में एक छोटा सा पार्क बना देती हैं तो लोगों को आपत्ति होती है कि स्टैचू लगा दिया बाबा साहब अंबेडकर का, हाथी लगा दिया। अरे हाथी लगाया, जरा अपनी बुद्धि लगाओ बहन जी, ने कोई बहुजन समाज पार्टी का सिंबल थोड़ी लगाया हाथी। हमारे बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है उसकी सूंड नीचे है और जो सूंड ऊपर करके जो हाथी लगाया है वो इस भारत की संस्कृति की पहचान है, वो कई मंदिरों पर भी आपको मिलेगा, वो कई जगहों पर हमारे जो भारत के जो पर्यटन हैं, स्थल हैं, वहाँ पे आपको स्वागत करता हुआ हाथी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का जो सूंड ऊपर करके जो हाथी बहन जी ने लगाया है वो स्वागत करता है, किसका स्वागत करता है, जो आने वाले पर्यटक हैं उनका स्वागत करता है। और बहन जी ने जो बनाया है ना उससे लाखों करोड़ों की जो है सरकार को जो है फायदा हुआ है, और उससे वो सरकार का जो फायदा हुआ उस पैसे से, सरकारी कोष से वो अन्य योजनाओं में वो पैसा लग रहा है, बहन जी ने कोई अपने लिए नहीं बनाया। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो छोटी सी बात है कि स्टैचू लगाने वाली, मैं कहता हूँ ये इसमें कोई दम नहीं है, इस बात को नहीं करना चाहिए। बहन जी नेता थी, बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही हैं और जो राजा होता है वो इतिहास बनाता है, बहन जी ने वही काम किया।